दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है कि मेरा साहस मेरी इज्जत मेरा है सम्मान पिता, और मेरी ताकत मेरी पूंजी मेरी है पहचान पिता। घर की एक एक ईंट में शामिल, घर की एक एक ईंट में शामिल उनका खून पसीना, और घर की है रौनक उनसे सारे घर की शान पिता। मेरी शोहरत मेरा रुतबा मेरा है मान पिता, अरे मुझको हिम्मत देने वाले मेरा है अभिमान पिता। सारे रिश्ते उनके दम से, सारे रिश्ते उनके दम से, सारे नाते उनसे हैं, और सारे घर के दिल की धड़कन सारे घर की जान पिता। शायद रब ने देकर भेजा, शायद रब ने देकर भेजा फलिए अच्छे कर्मों का, अरे उनकी रहमत उनकी नेमत उसका है वरदान पिता। गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। जी हाँ, नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं अतुल महेंद्राज फिर से मिल चुका हूँ आप सभी को 6:15 पे, क्योंकि घड़ी ने जैसे ही समय दिखाया है और ये समय अतुल सर के मिलने का आया है। दोस्तों आज अतुल सर आपके लिए एक ऐसी प्यारी कहानी लेके आए हैं जहाँ आपको ये पता चल जाएगा कि आपके घर का आधार, आपके जीवन का आधार जो आपके पिता हैं, वो आपके लिए क्या क्या त्याग करते हैं। माँ का प्यार जरूरी है मैं मानता हूँ, लेकिन अगर माँ धरती है तो पिता आसमान है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को और देखते हैं कि एक पिता अपने बच्चों के लिए कितने सैक्रिफाइसेस करता है और कैसे अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए सदा तैयार रहता है। दोस्तों एक पिता वो है जो आपको गिरने से पहले थाम लेता है, लेकिन आपको ऊपर उठाने के बजाय आपके कपड़ों की मिट्टी हटाता है और आपको फिर से कोशिश करने के लिए कहता है, वो होता है पिता। दोस्तों आज की कहानी एक पिता और उसके बेटे की। एक बाप अपने बेटे के लिए क्या क्या कर सकता है वो इस कहानी से स्पष्ट हो जाए। दोस्तों एक बार एक बेटा अपने पिता से लड़ाई करके गुस्से में घर से बड़बड़ाता हुआ निकल जाता है और बस स्टैंड की तरफ जाने लगा। वह मन ही मन बोल रहा था कि पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए तो एक बाइक तक नहीं ले सकते हैं। मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तब तक नहीं आऊंगा जब तक अपने पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। उसे पैरों में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो उसने पाया कि जल्दबाजी में उसने अपने पापा के जूते पहने हुए हैं। उस जूते में कील उभरी हुई थी और बार बार उसके पैरों में घाव किए जा रही थी, लेकिन उस समय गुस्सा ज्यादा था इसलिए वो आगे बढ़ता चला गया। फिर उसे याद आया कि उसके पापा का पर्स भी उसके साथ आ गया है, तो उसके दिमाग में आया कि क्यों ना आज अपने पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उसके पिता ने किसी को हाथ तक लगाने नहीं दिया। जब उसने अपने पापा के पुराने पर्स को खोला तो उसमें पैसे तो नहीं निकले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई। उसने सोचा कि यहाँ पर खजाना छुपा रखा है, जरूर इस डायरी में लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं या फिर किसको कितने पैसे पिताजी ने दिए हैं। लेकिन वह गलत था। जब उसने उस डायरी को खोला तो पहले पन्ने पर वहाँ पर जो लिखा था वो थोड़ा अजीब था। डायरी के पहले पन्ने पर जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर हाव भाव थे, वह गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं लिखा था जिसकी उसने उम्मीद की थी या फिर वो जो भी सोच रहा था। उस डायरी में पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए। उस सूची में कंप्यूटर के लिए पैसे लिए हुए थे जो कि इस प्रकार लिखा हुआ था कि 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। वो वही कंप्यूटर था जिसे वह आज तक इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन उस बेटे को ये नहीं पता था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहां से आए। उस डायरी में कैमरे का भी हिसाब था। उस बेटे को याद था कि उसने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी तब उसके पिता ने ठीक 2 हफ्ते बाद उसके जन्मदिन पर उसे दिया था, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुआ था, और उसे खुश देखकर उससे ज्यादा कोई अगर खुश था तो वो थे उसके पिता। अब उसके बेटे का गुस्सा एकदम गायब हो गया था। जब उसके बेटे ने दूसरा पन्ना पलटा तो उसमें कुछ इच्छा लिखी हुई। अब पहली इच्छा जो थी वह थी उसे जूते पहनना। ये बात उसके बेटे को कुछ समझ नहीं आई। तभी उसके पैर सड़क पर एक गड्ढे में जा पड़ा जिसमें पानी भरा था, जिससे बेटे के पैर गीले हो गए। उसने जूते को पलट कर देखा तो उसने देखा कि जूता जो है वो नीचे से पूरी तरीके से फटा हुआ। ये देखकर उसे डायरी में लिखी हुई बात समझ में आ गई। तभी उसे उसके माँ बाप की बात याद आई। माँ हमेशा ये बोलती थी कि अब तो नए जूते ले लो, लेकिन पिता हमेशा बोलते थे कि नहीं, अभी कुछ दिन और चलेगा ये जूता। कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। उसे आज समझ में आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ उसे यह भी समझ में आ रहा था कि उसके पिता पर्स को क्यों छुपा रहे थे। तभी उस डायरी को पढ़ते पढ़ते वह बस स्टैंड पहुंचा
और एक बेंच पर आकर बैठ गया। और अब उस डायरी का आखिरी पन्ना उसने पलटा तो वहाँ कल की तारीख लिखी और नीचे लिखा था 50,000 रुपए बाइक के लिए। उस बेटे को बस इतना पढ़ा और उसका दिमाग एकदम शून्य सा हो गया। अब उसके मन में कोई गिला शिकवा नहीं बचा था, आंखों से आंसू आ गए। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्यों रो रहा है। अब वह जल्दी से घर जा रहा था। जूते में लगी कील अब तक उसके पैरों में घाव कर चुकी थी। उसने तुरंत उस जूते को खोला और फेंक दिया। अब वह नंगे पैर ही दौड़े जा रहा था और घर पहुंचा, लेकिन उसके पिता उसे घर पर नहीं मिले। उसे समझ में आ गया था कि उसके पिता कहां गए होंगे। वह सीधा बाजार की ओर भागा और पता नहीं उसमें इतनी ताकत कहां से आ गई थी कि वह भागते हुए थक नहीं रहा था। वह उस बाइक वाले की दुकान पर पहुंचा, उसके पिता वहीं थे। उसने अपने पिता को दौड़ कर गले लगा लिया और उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके पिता समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो गया। उसके पिता से कहा कि पापा मुझे मोटर बाइक नहीं चाहिए, आप अपने जूते ले लीजिए, अब आज से मैं जो कुछ भी करूंगा वो अपने दम पर करूंगा, अपनी मेहनत से करूंगा। दोस्तों एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि अगर माता पिता कभी भी किसी चीज को मना करें तो उसे समझ लेना और उनकी मजबूरी को समझने का प्रयास करना, उनका आदर करना, उनका सम्मान करना। क्योंकि किसी ने बड़ी सही बात कही है कि फूल कभी दो बार नहीं खिलते, फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलते। अरे मिलने को तो हजार लोग मिलते हैं, मिलने को तो हजार लोग मिलते हैं, लेकिन हजारों गलती माफ करने वाले कभी माँ बाप नहीं मिलते, कभी माँ बाप नहीं मिलते। दोस्तों इस दुनिया में ईश्वर हर जगह नहीं पहुंच सकता था, इसलिए उसने माँ बाप बनाए। दोस्तों दुनिया में कम पढ़ना, नहीं पढ़ना, जिंदगी में कुछ मत करना, लेकिन अपने माँ बाप का सम्मान करना कभी मत छोड़ना। क्योंकि कहते हैं कि माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा क्या होगा, और तू जो हो नाराज तो खुश हमसे खुदा क्या होगा। आप बहुत पढ़ लिए, बहुत बड़े अफसर बन गए, लेकिन अपने माँ बाप का सम्मान करना नहीं जानते, उनके रिस्पेक्ट करना नहीं जानते। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि आपकी ऐसी पढ़ाई ढेले समान है, आपकी ऐसी नौकरी ढेले समान है, अगर आप अपने माँ बाप का सम्मान और इज्जत करना नहीं जानते। किसी ने बड़ी सही बात कही थी कि माँ से मक्खन, माँ से मिश्री, माँ से मलाई होता है, और जो बच्चा अपने माँ बाप की कदर नहीं करता वो बच्चा नहीं कसाई। हमें उनकी कदर करनी पड़ेगी, उनके बनाए गए नियम आज हमको पाबंदी लगते हैं। एक कछुआ अपने खोल, अपने कवर से बाहर निकल के बड़ा स्वतंत्र था कि आज मैं एक बहुत बड़ी जेल से आजाद हो गया, बहुत बड़े अनुशासन से आजाद हो गया। लेकिन उस कछुए को ये नहीं पता था उसने कितनी बड़ी गलती कर दी उस कवर से बाहर आके, उस खोल से बाहर आके, क्योंकि वही कवर उसके जीवन को सुरक्षित रखती थी। दोस्तों हमारे माता पिता का अनुशासन उसी कछुए के खोल के समान है जो हमारे चारों तरफ संस्कार के रूप में है। दोस्तों मैंने ये कई बार देखा है कि जिसके संस्कार अच्छे होते हैं, जिसकी परवरिश अच्छी होती है, उसको कभी तरक्की पाने से कोई नहीं रोक सकता। आप बहुत बड़ा एग्जाम निकाल लें, बहुत बड़े ओहदे पे चले जाएं, बहुत अच्छा पद हासिल कर लें, लेकिन अगर आपने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है तो याद रखिएगा कि जिंदगी में सब कुछ, सारे अच्छे बुरे कर्मों का फल इसी पृथ्वी पे भोग के जाना है। इसलिए आप सभी को मैं अतुल सर यही कहना चाहूंगा कि दुनिया में सब कुछ करना वो एक अलग बात है, लेकिन अपने माँ बाप का सम्मान मान करना ये अलग बात है। बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। तो आशा करता हूं कि आप सब बाअदब हैं और आज के बाद अपने माँ बाप को 2 गुना करते थे तो 10 गुना, 10 गुना करते थे 100 गुना, और अगर 100 गुना करते थे तो 1000 गुना आप अपने माँ बाप को प्यार करेंगे और उनको यह एहसास दिलाएंगे कि उनकी जो औलाद है वो इस जीवन का वरदान है और कभी भी उनका दिल नहीं दुखाएंगे। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। एक बार फिर मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आप सभी से ये आशा करता हूँ कि आज जो मैंने ये कहानी सुनाई आपको अच्छी लगी होगी, आप इसे अपने जीवन में उतारेंगे। और आपके पास भी अगर ऐसी कोई कहानी है तो मेरा नीचे टेलीग्राम चैनल है, आप उस टेलीग्राम चैनल पे मोटिवेशनल गुरु अतुल सर पे आके आप अपनी कहानी, अपनी बातें मुझे दे सकते हैं और मैं आपकी बातें पूरे हिंदुस्तान तक, आपका लक्ष्य, आपके मोटिवेशन जो थॉट्स हैं वो पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको काफी आनंदित किया होगा, आज के सेशन से आपने काफी कुछ सीखा होगा। तो चलिए सहृदय धन्यवाद आप सभी का, कल फिर मुलाकात करेंगे। घड़ी जैसे ही कल 6:15 बजाएगी आपके अपने अतुल सर फिर आपसे मुखातिब हो जाएंगे। तो कल 6:15 समय वही, चैनल वही, और आपके अपने अतुल सर वही, नई मोटिवेशन कहानी के साथ आपकी जीवन में नई ऊर्जा का संचार करने कल मैं फिर मिलूंगा 6:15 पे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, ऑलवेज बी हैप्पी डियर एंड एंजॉय एवरी
मोमेंट ऑफ योर लाइफ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।